हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है टिश्यू। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पिछली वीडियो में। ओके, तो सेल हमने कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर 5। ठीक है, तो टिश्यू कैसे बनता है, टिश्यू क्या बनता है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल ही होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। ओके, तो अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। क्या बोल रहा है, फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। तो पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, सेल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इन यूनिसेलुलर में क्या क्या पढ़ा था अपने, अमीबा पढ़ा था, साथ साथ बैक्टीरिया पढ़ा था। ठीक है, ये क्या एक सिंगल सेल, सॉरी, एक सिंगल सेल क्या करता है, सभी काम एक ही साथ कर लेता है। ठीक है, जैसे कि अमीबा, अमीबा क्या करता है, एक सिंगल सेल है। ओके, वो क्या क्या करता है, मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, फूड को अंदर ले जाता है, गैस को एक्सचेंज करता है और एग्जेशन करता है, मतलब निकाल देता है खाया पिया, कि जैसे ये एक अमीबा बना, अमीबा है ये। ठीक है, ये मैंने मान लिया को अमीबा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फूड है, तो ये अगले पार्ट में क्या करेगा, ये इसके पास जाएगा और इस तरह से अपनी शेप बना लेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट क्या करेगा, फिर इस फूड को क्या करेगा, अपने अंदर ले लेगा और अपने स्ट्रक्चर ऐसे कर देगा, और इसी में ये फूड क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आगे क्या बोल रहे हैं, लेकिन बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, आर मिलियन ऑफ सेल, इनमें क्या है, बहुत सारी सेल हैं। मोस्ट ऑफ दीज सेल आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। इनमें से बहुत ज्यादा सेल क्या करती है, कुछ स्पेशल काम करती है, जैसे कि आंखों का काम हो गया, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया आपका, हार्ट हो गया। ठीक है, इस स्पेशल फंक्शन इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल। सभी क्या करते हैं, अपने अलग अलग ग्रुप होते हैं सभी सेल। ठीक है, सिंस दिस सेल कैरी आउट ओनली ए पार्टिकुलर फंक्शन, दे डू इट वेरी इफिशियंसली। ये क्या करते हैं, अपना पार्टिकल अपना खुद का एक काम करती है, इसके अलावा दूसरा काम नहीं करती। जैसे कि सूंघने का सेल क्या होगा, सिर्फ सूंघ सकता है तो देख नहीं सकता। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग मसल सेल्स, ये आपका एग्जांपल दे दिया, मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कोच मूवमेंट। जब हम चलते फिरते हैं तो क्या होती है, मसल सेल्स कभी चौड़ी हो जाती है, कभी रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, नर्व सेल मैसेज फॉरवर्ड करती है, ब्लड फ्लो टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ब्लड सेल क्या करती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, फूड को, हॉर्मोन्स को और वेस्ट मटेरियल एंड। ठीक है, ये तो थी एनिमल की बात, अब आ गया आपका प्लांट। प्लांट में क्या करता है, वेस्कुलर टिश्यू का क्या काम होता है, इसका काम आपको फूड कैरी, या फिर जो प्लांट पानी पूरी पानी लेता है ना, उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट को पर पहुंचा देता है। ठीक है, सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सो डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, कि ये क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब सभी अपना अपना खुद का काम कर रहे हैं। जैसे कि लेबर अलग अलग कंपनियों में अलग अलग काम करते हैं ना, तो इस तरह से मल्टी सेलुलर में जो भी सेल्स हैं उनको जो भी काम दिया हो वो अपना काम खुद करती हैं। ठीक, सेल्स स्पेशलाइज इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टूगेदर इन द बॉडी। जो भी सेल काम करती है वो मिल एक ग्रुप में काम करती है। ठीक है, दिस मीन दैट ए पार्टिकुलर फंक्शन इज कैरी आउट बाई ए क्लस्टर ऑफ सेल। क्लस्टर ऑफ सेल क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल के बारे में बताया गया है, एट ए डेफिनेट प्लेस इन बॉडी। बोला कि इसका मतलब, जो क्लस्टर ऑफ सेल मतलब ग्रुप ऑफ सेल है, वो क्या करते हैं, अपना पार्टिकुलर फंक्शन करता है कहाँ पर, एक ही जगह पर, जो उसकी जगह है ना वहीं पर काम करेगा। ठीक है, दिस
क्लस्टर ऑफ सर्कल कॉल्ड टिश्यू, इसी को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, इस क्लस्टर को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू की आपकी डेफिनेशन दे दी गई है यहाँ पर, ये आपकी टिश्यू की डेफिनेशन दे। ओके ए पार्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाई ए क्लस्टर ऑफ सेल एट डेफिनेट प्लेस इन बॉडी, इसी को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। इज अरेंज अरेंज एंड डिजाइन सो एज टू गिव द हाइएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन, ब्लड फिल्म एंड मसल्स आर एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। तो ब्लड फिल्म और मसल्स ये कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दिए थे ऊपर, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टूगेदर अचीव ए पार्टिकुलर फंक्शन फॉर्म ए टिश्यू, ये आपके टिश्यू की दूसरी डेफिनेशन दे दी गई है। क्या कि एक सेल का ग्रुप मिलके जो मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर बनाए और एक साथ काम करे उससे हम क्या बोलते हैं, उसको किसकी फॉर्म दी गई है, टिश्यू की फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। आर प्लांट एंड एनिमल मेड ऑफ सम टाइप ऑफ टिश्यू, पूछा कि आपसे कि क्या प्लांट और एनिमल जो है ना वो एक ही टिश्यू से बने होते हैं। चलो डिस्कस कर लेते हैं क्या है। लेट एस कंपेयर दिस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो इसको कंपेयर करने से पहले क्या दिया गया कि हमें इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जान लेना चाहिए। डू प्लांट एंड एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर, बोला कि क्या प्लांट और एनिमल के सेम स्ट्रक्चर होते हैं। डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, क्या दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या दिया गया है कि प्लांट और एनिमल का अलग अलग काम दिया गया आपको, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर के बारे में दी गई है। मतलब इस पैसेज में जो हम पढ़ेंगे ना, जो ये पीछे पूछा गया कि इसमें हमने क्या क्या बात करनी है, फंक्शन के बारे में बात करनी है और किसके बारे में बात करनी, स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। दे आर नोटिसेबल डिफरेंट बिटवीन द टू, बोला कि इन दोनों में ये दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। प्लांट आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, प्लांट क्या है एक जगह रहते हैं, दे डोंट मूव सिंस दे हैव टू बी अपराइट, तो ये क्या होते हैं ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं। दे हैव ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, मतलब इसको बहुत सारे टिश्यू का सपोर्ट होता है एंड द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज डेड सेल, बोला कि जो सपोर्टिव टिश्यू जो होते हैं वो कौन से सेल होते हैं, डेड सेल मतलब खराब सेल होती है, ठीक है, खराब सेल के होते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। एनिमल ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड मेट एंड शेल्टर, एनिमल के बारे में क्या बोला गया है कि देखो प्लांट क्या है एक जगह रहते हैं, इसको वहीं से ही खाना पीना होता है, ठीक है, जहां पर ये खड़े हो। और एनिमल के बारे में क्या बोला गया है कि ये जो होते हैं ना ये फूड के लिए और रहने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं, ठीक है। दे कंज्यूमर मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट, इससे क्या चाहिए, प्लांट के कंपेयर ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि ये मूव ऑन करते हैं और प्लांट क्या होता है एक जगह खड़े रहते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग, इसके बहुत सारे टिश्यू क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग होते हैं, ठीक है। तो ये तो थी इनके फंक्शनल के काम। अब देखते हैं इसमें क्या, इस पैसेज में क्या देखेंगे हम, इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ, अब ग्रोथ के बारे में बात की गई है एनिमल और प्लांट के बारे में। द ग्रोथ इज इन प्लांट आर लिमिटेड टू सर्टेन रीजन व्हाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल, बोला कि प्लांट का जो भी ग्रोथिंग पार्ट है वो कुछ समय के बाद रुक जाता है, जबकि एनिमल में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। दे आर सम टिश्यू इन प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, बोला है कि कुछ टिश्यू प्लांट के अंदर डिवाइड हो जाते हैं उसके मतलब जितनी उसकी भी लाइफ है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड होते रहते हैं। दिस टिश्यू आर लोकलाइज इन सर्टन रीजन, ये टिश्यू क्या होती है एक ही जगह पर रहती है, ठीक है। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ टिश्यू,
वेरियस प्लांट टिश्यू कैन क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यूज। और अगर डिवाइडिंग कैपेसिटी की बात की गई है टिश्यू के, तो आप एनी प्लांट के बारे में और सॉरी डिवाइडिंग कैपेसिटी के बारे में बात की, तो प्लांट के अंदर जो होते हैं क्लासिफाई किया गया क्या टिश्यू को ग्रोइंग होते हैं और मेरिस्टमेटिक होते हैं। मेरिस्टमेटिक का मतलब भी क्या होता है, ग्रोइंग होना, ठीक है। और परमानेंट टिश्यू होते हैं, मतलब एक ही जगह पे रहते हैं। आगे क्या बोला, सेल ग्रोथ इन एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म, और ग्रोथ एनिमल के अंदर ग्रोथ होना ये एक आम बात है सेल का। सो देर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल। बोला कि यहाँ कुछ भी नहीं डिमार्केशन, डिमार्केशन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई दो चीज है उनके बीच को अलग करना, ठीक है, मतलब किसी भी दो चीजों को अलग करना क्या होता है, डिमार्केशन होता है ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल। तो एनिमल के अंदर ऐसा कुछ नहीं दिया गया कि जो डिवाइडिंग सेल होते हैं और नॉन डिवाइडिंग सेल होते हैं इसके बीच में कोई भी डिमार्केशन नहीं है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज एंड लोकलाइज इन कॉम्प्लेक्स एनिमल देन इवन इन एवरी कॉम्प्लेक्स प्लांट। बड़ा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑर्गन्स, पहले ऑर्गन्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। देखो सेल से क्या बनते हैं, ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। अब बोला कि जो ऑर्गन का स्ट्रक्चर और ऑर्गन सिस्टम, इनका जो काम है वो क्या करता है, कुछ उनका स्पेशल काम होता है और लोकल किसी एनिमल के अंदर किसी एक जगह पर देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट। अब यहाँ कहूँ क्या बोला गया है, यहाँ पर जो एनिमल के अंदर, मतलब एनिमल के अंदर प्लांट के अकॉर्डिंग ज्यादा स्पेशलाइज और लोकलाइज सेल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, ये चीज बोली गई है। मतलब कंपेयर किया गया कि सबसे ज्यादा ऑर्गन्स किस में पाए जाते हैं या फिर ऑर्गन सिस्टम काम कौन करता है, तो आप क्या कहोगे, एनिमल्स के अंदर, ठीक है। दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ परस्यूड बाय दिस टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बोला कि ये फंडामेंटल डिफरेंस, मतलब आम डिफरेंस होते हैं जो क्या करते हैं किसी भी चीज को, किसी भी चीज के जीवन को परस्यूड बाय दिस टू मेजर, ये बोला टू मेजर ग्रुप, कौन कौन से मेजर ग्रुप हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, किस किस के बारे में पढ़ रहे हैं, हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं और फंक्शनल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसी के बारे में पूछा गया, बोला गया कि सभी ऑर्गन्स के जो टू मेजर ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। पार्टिकुलर इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड, इनका फीडिंग मेथड भी क्या होता है, अलग अलग होता है। दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर ए सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन अदर एंड प्लांट, वन एंड प्लांट, और दूसरी तरफ क्या बोला गया, लोकोमोटिव ऑन अदर एनिमल्स। सेडेंटरी एग्जिस्टेंस क्या होता है कि एक जगह जो रहता है वो उसे हम प्लांट कहते हैं, और जो लोकोमोटिव मतलब लोकोमोशन होना, मतलब मूवमेंट करते रहते हैं, उसे हम एनिमल्स करते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला गया, कंट्रीब्यूट टू दिस डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम डिजाइन, ये क्या करते हैं, ये ऑर्गन सिस्टम को डिजाइन करते हैं, ठीक है। इट इज वेरी विद रिफरेंस टू दिस कॉम्प्लेक्स एनिमल एंड प्लांट बॉडीज दैट वी विल नाउ टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू। तो इसी को हमने जो भी इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, इसी को पढ़ते हुए हम क्या आगे आगे जो पढ़ेंगे उसके किसके बारे में पढ़ेंगे, टिश्यू के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो अब ये दो क्वेश्चन है अपने पास, ये दो क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं, ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, टिश्यू क्या होते हैं, व्हाट इज टिश्यू। तो टिश्यू के हमने बारे में पढ़ा था क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल होते हैं जो क्या काम करते हैं, जो अपना खुद का स्ट्रक्चर बनाता हो, ठीक है, जो खुद स्ट्रक्चर बनाता हो, खुद क्या करता हो, अच्छे से काम करता हो, वर्क टूगेदर, ठीक है।
तो ये आपकी डेफिनेशन होगी, क्या है क्लस्टर ऑफ सेल, जो कि आपका स्ट्रक्चर बनाता हो, साथ में क्या करता हो, एक काम करता हो किसी भी एक पॉइंट पे, ठीक है, या पर टिश्यू कर कहलाता है। दूसरा क्या बोला कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बोला कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो यूटिलिटी ऑफ सेल है, यूटिलिटी क्या होता है, जो उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है, ठीक है, स्ट्रक्चर उसके, हाँ स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है कि स्ट्रक्चर जो होता है वो तो यूटिलिटी क्या काम करता है, ये एक तो स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई, ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ साथ हमने क्या पढ़ा था, एक डिवीजन ऑफ लेबर भी पढ़ा था, डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ा था, अगर आपको अपने अच्छे से पढ़ा हो तो हमने ये दो चीज पढ़ी थी, तो समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।